अपने खेत को आवारा पशुओं से बचाने के लिए हम अपने खेत में तार फेंसिंग करते हैं। तार फेंसिंग कई तरह की होती है, जैसे बार्ब्ड वायर फेंसिंग, चेनलिंग फेंसिंग, क्लच वायर, सोलर फेंसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक फेंसिंग सिस्टम। एक एकड़ के खेत में बार्ब्ड वायर फेंसिंग करने में हमारी कितनी लागत आती है, इस पर हमने पहले डिटेल में एक वीडियो बनाया है और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक एकड़ के खेत में चेनलिंग फेंसिंग करने हमारी कितनी लागत आती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपने एक एकड़ के खेत में अगर हम चेनलिंग फेंसिंग कराते तो इसमें हमारी कितनी लागत आई। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि किन किसान भाइयों को बार्ब्ड वायर फेंसिंग कराना चाहिए और किन किसान भाइयों को चेनलिंग फेंसिंग कराना चाहिए। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक एकड़ के खेत में चेनलिंग फेंसिंग, जिसे जाली फेंसिंग भी कहते हैं, यह कराने में हमारी कितनी लागत आएगी, यह समझने के लिए हमें पहले इन तीन पॉइंट्स को समझना होगा। पहला, हमारे खेत की परिधि कितनी है। दूसरा, चेनलिंग फेंसिंग के लिए हमें क्या क्या मटेरियल लगेगा और इनकी लागत कितनी आएगी। तीसरा, चेनलिंग फेंसिंग कराने में हमारी कुल लागत कितनी आएगी। खेत की परिधि निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सबसे पहले अपने एक एकड़ के खेत की परिधि निकालते। हम एग्जाम्पल के लिए हमारे खेत की लंबाई 544 फीट व चौड़ाई 80 फीट लेते हैं। इस तरह हमारे एक एकड़ के खेत की परिधि आएगी 12,048 फीट। हमने हमारे खेत की परिधि किस तरह से निकाली आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। आप सबसे पहले अपने खेत के चार कोनों में से किसी भी एक कोने पर जाएं और एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई निकालें, दूसरे कोने से तीसरे कोने की लंबाई निकालें, तीसरे कोने से चौथे कोने की लंबाई निकालें और चौथे कोनों से पहले कोने की लंबाई निकालें और इन चारों को आपस में जोड़ दें। अब जो यह आंकड़ा आपको मिला है यह आपके खेत की परिधि। आप खुद इस तरह से अपने खेत की परिधि निकाल सकते हैं और इस वीडियो में आप हमारे साथ में अपने खेत की परिधि निकाल कर आगे का जितना भी हम आपको आंकड़ा देंगे उसे कैलकुलेट करके आप खुद अपने एक एकड़ के खेत के चेनलिंग फेंसिंग कराने में कितना खर्चा आएगा वह घर बैठे निकाल सकते हैं। अपने खेत की परिधि निकालने के बाद में अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, चेनलिंग फेंसिंग कराने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम कराने के लिए हमें कुल चार मटेरियल लगेंगे। पहला, हमारा यहाँ जाली लगेगी। दूसरा, या तो हमें सीमेंटेड पोल लगेंगे या फिर इसकी जगह आप GI कोटेड एंगल या आयरन एंगल भी ले सकते। तीसरा, हमें इसको यहाँ पर जमाने के लिए GI वायर भी लगेगा। साथ ही साथ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बार्ब्ड वायर फेंसिंग कराई है, आप इसकी जगह 16 गेज का GI वायर भी ले सकते हैं। नंबर 4, इस सीमेंट के पोल को जमीन में गाड़ने के लिए हमें सीमेंट, रोड़ी, डस्ट और लेबर भी लगेगा। तो यह चार मटेरियल हमें लगेंगे अपने खेत की तार फेंसिंग कराने के। अब हम एक एक करके इन चारों मटेरियल में आने वाली लागत को निकालते हैं। हम सबसे पहले GI एंगल की लागत को निकालते हैं। अगर हमें जाली की हाइट 6 फीट रखना है तो हमें 8 फीट का GI एंगल या फिर 8 फीट का सीमेंट का पोल लगेगा, क्योंकि 2 फीट जमीन के अंदर चला जाएगा। हमारे खेत की परिधि 1248 फीट थी और हम एक एंगल से दूसरे एंगल के बीच की दूरी 12 फीट लेंगे। इस तरह हमें कुल 104 एंगल लगेंगे। 8 फीट ऊंचे GI कोटेड एंगल का वजन 6 किलो के आसपास रहता है। वह 1 किलो का रेट अभी बाजार में 100 रुपए चल रहा है, यानी कि हमारा 1.5 इंच व 8 फीट ऊंचे GI कोटेड एंगल की लागत आएगी 600 रुपए। हमें कुल 104 एंगल लगेंगे तो हमारी 104 एंगल की कुल लागत आएगी 62,400 रुपए। वहीं अगर आप GI कोटेड एंगल की जगह आयरन कोटेड एंगल लेते तो 1 किलो आयरन एंगल 70 रुपए किलो के आसपास आता है। इस तरह 104 आयरन एंगल की हमारी लागत आएगी 43,680 रुपए। अगर आप GI कोटेड एंगल भी नहीं लेते और आयरन कोटेड एंगल भी नहीं लेते और इसकी जगह अगर आप सीमेंट का पोल लेते तो
8 फीट के ऊंचे एक सीमेंट के पोल की कीमत हमें 300 रुपए के आसपास पड़ती है। इस तरह हमारा 104 सीमेंटेड पोल की कुल लागत आएगी 31,200 रुपए। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप GI कोटेड एंगल लेते हैं या आयरन कोटेड एंगल लेते हैं या फिर आप सीमेंट का पोल लेते हैं। वैसे चेन लिन फेंसिंग सिस्टम के लिए सबसे सही GI कोटेड एंगल रहता है, क्योंकि इसमें जंग भी नहीं लगती है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। वहीं अगर आप सीमेंट का पोल लेते तो सीमेंट का पोल चेन लिन फेंसिंग के लिए सही नहीं माना जाता है और यह कुछ ही सालों में टूट जाता है, और आयरन कोटेड एंगल में जंग लगने की समस्या बनी रहती है। फिर भी यह निर्णय पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके बजट के लिए GI एंगल सूटेबल है या फिर आयरन कोटेड एंगल सूटेबल है या फिर सीमेंट का पोल आपके लिए सही है। यह चुनाव आपका है। अब हम चेन लिन फेंसिंग करने में जो हमारी जाली की लागत आती है उसको निकालते हैं। हमें कुल 1300 फीट जाली लगेगी, क्योंकि हमारे खेत की परिधि 1248 फीट थी। 100 फीट जाली के एक बंडल का वजन 35 किलो के आसपास रहता है। वह 1 किलो हमें 90 रुपए के आसपास मिलता है। इस तरह हमारा 100 फीट लंबी चेन लिंक जाली का खर्च आएगा 3,150 रुपए। हमें कुल ऐसे 13 बंडल लगेंगे तो हमारी कुल चेन लिन फेंसिंग में जाली का खर्च आएगा 40,950 रुपए। एंगल को जमीन में गाड़ने के लिए हमें सीमेंट, रोड़ी, डस्ट व लेबर लगेगा, जिसका हमारा खर्च आएगा 5,000 रुपए। व चेन लिन फेंसिंग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हमें इसके ऊपरी सिरे और नीचे के सिरे पर 16 गेज का GI वायर लगेगा। हमें कुल 2500 फीट का GI वायर लगेगा। इस तरह 16 गेज GI वायर का हमारा खर्च आएगा 1,833 रुपए। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से चेन लिंक सिस्टम में जाली को खिंचवाते हैं तो आपका यह खर्च आएगा 10,000 रुपए। अब यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपसे पर फीट कितना चार्ज करता है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। 1 एकड़ के खेत पे चेन लिंक फेंसिंग कराने में हमारी कुल कितनी लागत आई। जब आप 8 फीट ऊंचे GI कोटेड एंगल लेते तो 1 एकड़ के खेत में चेन लिंक फेंसिंग कराने में आपकी लागत आएगी 1,20,180 रुपए। व आप आयरन के एंगल लेते तो आपकी 1 एकड़ के खेत में चेन लिंक फेंसिंग कराने में लागत आएगी 1,01,463 रुपए। वहीं अगर आप सीमेंट के पोल का चुनाव करते तो 1 एकड़ के खेत में चेन लिंक फेंसिंग कराने में आपकी लागत आएगी 88,663 रुपए। अब जानते हैं कि चेन लिंक फेंसिंग सिस्टम किन किसान भाइयों को कराना चाहिए और किन किसान भाइयों को बाब्ड वायर फेंसिंग सिस्टम कराना चाहिए। तो अगर आप आवारा पशुओं से परेशान हैं तो आप अपने खेत में बाब्ड वायर फेंसिंग सिस्टम करा सकते हैं। पर अगर आप अपने खेत में जंगली सुअर, नीलगाय, खरगोश और कुत्तों इनसे परेशान हैं तो आपको चेन लिंक सिस्टम की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि चेन लिंक फेंसिंग सिस्टम आपको ना सिर्फ आवारा पशुओं से बचाता है बल्कि यह नीलगाय, जंगली सुअर, खरगोश और कुत्ते इन सभी को रोकता है। इस तरह से आपका खेत आवारा पशुओं के साथ साथ छोटे जानवरों व नीलगाय से भी सुरक्षित रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले इन्होंने बाब्ड वायर फेंसिंग कराई थी आवारा पशुओं से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर सुअर और तो का भी अटैक देखने को मिलता था, इसलिए बाद में चेन लिंक फेंसिंग सिस्टम भी कराना पड़े। इस तरह इनकी लागत बाब्ड वायर फेंसिंग की और चेन लिंक सिस्टम की दोनों की आई। इसलिए आप अपने खेत में तार बंदी करने से पहले यह जरूर पता करें कि आप किस तरह के जानवरों से परेशान। अगर आप चाहते हैं कि चेन लिंक फेंसिंग कराने में आपकी कितनी लागत आएगी या हम निकालें, तो आप हमें सिर्फ कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने खेत की परिधि बता दीजिए। आप हमें परिधि फीट में बताइए और हम आपको बताएंगे कि आपका 1 एकड़ के खेत में चेन लिंक फेंसिंग कराने में कितनी लागत आएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।